Dear students, welcome to you all. Today I am going to discuss about trigonometric ratios of some specific angles. Dear students from geometry, you are already familiar with the construction of angles of 30 degree, 45 degree, 60 degree, and 90 degree. In this section, we will find the values of the trigonometric ratios for 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, and 0 degree. Now, we will discuss. ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोज ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री लेट ट्रैंगल ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल बी इक्वल टू नाइंटी डिग्री एंड एंगल एंगिल इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री देन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राएंगल वी कैन फाइंड द एंगल सी इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री फ्रॉम एब वी गेट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी सो एज इक्वल टू बी सी वाई सिंस साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल लेट ए बी

Then, side opposite to this angle A, that is BC, is perpendicular and this is equal to A units. And side adjacent to angle A is AB, which is base and this is equal to A units also. Hypotenuse, that is longest side of a right angle triangle, and this is equal to AC, equal to root two a units. Now we find the trigonometric ratios for forty five degrees. Sine forty five degree equal to perpendicular by hypotenuse. That is BC by AC and this is equal to 1 by root 2. Cos 45 degree equal to base by hypotenuse that is AB by AC and this is equal to 1 by root 2. Tan 45 degree equal to perpendicular by base that is BC by AB and this is equal to 1 cot 45 degree equal to base by perpendicular, that is AB by BC, and this is equal to 1. Sec 45 degree equal to hypotenuse by base, that is AC by AB, and this is equal to root 2. And cosec 45 degree equal to hypotenuse by perpendicular, that is AC by BC, and this is equal to वी विल डिस्कस टिग्नामेट्रिक रेशियोज ऑफ थर्टी डिग्री एंड सिक्सटी डिग्री डियर स्टूडेंट्स कंसिडर एन इक्यूलेटर ट्रा एंगल पी क्यू आर हैविंग इच साइड टू ए यूनिट्स एंड एंगिल पी इक्वल टू एंगिल क्यू इक्वल टू एंगिल आर इक्वल टू सिक्सटी डिग्री डियर स्टूडेंट्स वी ऑलरेडी नो दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इस एंगल इज नाइंटी डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल ड्रा पी एम परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर डियर स्टूडेंट्स वी ऑलरेडी नो दैट परपेंडिकुलर ऑफ एन एक्टिटरल ट्राएंगल बायसेक्स द बेस एंड एंगल सो क्यू एम इजक्ल टू एम आर इक्वल टू ए यूनिट्स एंड एंगल क्यू पी एम इक्वल टू थर्टी डिग्री इन ट्राएंगल पी क्यू एम बाय पाइथागोरस थीरम वी गेट पी एम स्क्वायेयर इजक्ल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर सो पी एम इज इक्वल टू रूट थ्री ए फॉर एक्यूट एंगल पी क्यू एम इक्वल टू सिक्सटी डिग्री परपेंडिकुलर इच पी एम विच इज इक्वल टू रूट थ्री ए यूनिट्स बेस इच क्यू एम विच इज इक्वल टू ए यूनिट्स एंड हाईपेटन्यूस इज पी क्यू एंड दिस इज इक्वल टू टू ए यूनिट्स सो साइंस सिक्सटी डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाईपटनस दैट इज पी एम बाय पी क्यू एंड दिस इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू कॉस सिक्सटी डिग्री इक्वल टू बेस बाय है दैट इज क्यू एम बाय पी क्यू एंड दिस इज इक्वल टू वन बाय टू टेन सिक्सटी डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज पी एम बाय क्यू एम एंड दिस इज इक्वल टू रूट थ्री कॉट सिक्सटी डिग्री विच इज रिसल ऑफ टेन सिक्सटी डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री सिक्स सिक्सटी डिग्री विच इज़ रिसीप्रोकल ऑफ़ कॉस सिक्सटी डिग्री दैट इज वन बाय कॉस सिक्सटी डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू टू को सिक्सटी डिग्री इज़ द रिसी प्रोकल ऑफ साइंस सिक्सटी डिग्री दैट इज वन बाय साइंस सिक्सटी डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू टू बाय रूट थ्री फार एंगल क्यू पी एम which is equal to 30 degree then perpendicular equal to q m equal to a units base equal to p m equal to root 3 a units and hypotenuse equal to p q equal to 2 a units so sine 30 degree equal to perpendicular by hypotenuse that is q m by पी क्यू एंड दिस इज इक्वल टू वन बाय टू कॉस थर्टी डिग्री इक्वल टू बेस बाय है दैट इज पी एम बाय पी क्यू इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू टेन थर्टी डिग्री इक्वल टू क्यू एम बाय पी एम दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस एंड दिस इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री कॉट थर्टी डिग्री इज दे रिसिप्रोकल ऑफ टेन थर्टी डिग्री दैट इज वन बाय टेन थर्टी डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू रूट थ्री सेक थर्टी डिग्री इज द रिसिप्रोकल ऑफ कॉस थर्टी डिग्री दैट इज वन बाय कॉस थर्टी डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू टू बाय रूट थ्री कोशेक थर्टी डिग्री इज द रिसिप्रोकल ऑफ साइंस थर्टी डिग्री दैट इज वन बाय साइंस थर्टी डिग्री इक्वल टू टू नाव we will discuss trigonometric ratios of 0 degree consider right angled triangle abc at b in which angle b equal to 90 degree and angle acb equal to theta b an acute angle then sine theta is equal to perpendicular by hypotenuse that is ab by ac Cos theta is equal to base by hypotenuse that is BC by AC and tan theta is equal to perpendicular by base that is AB by BC. Dear students, it is evident from triangle ABC that theta becomes smaller and smaller, line segment AB also becomes smaller and smaller, and finally, when theta becomes 0,

ए बी बाई ए सी दैट इज बेस्ड बाई है एंड एवी इक्वल टू जीरो विच इज गिवन एंड दिस इज इक्वल टू जीरो बाई ए सी इक्वल टू जीरो कॉस जीरो डिग्री इक्वल टू बेस बाय हैडनस दैट इज बी सी बाई ए सी एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी

that is 1 by sin 0 degree this is equal to 1 by 0 and this is equal to infinity that is not defined now we will discuss trigonometric ratios of 90 degree from the triangle ABC it is evident that as theta increases line segment BC becomes smaller and smaller and finally, theta becomes 90 degree. Then the point B coincides with C. Consequently, BC equal to zero. AB is equal to AC, as we can see from the following five figures of triangle ABC. Sin 90 degree equal to परपेंडिकुलर बाय हाईपेटनि दैट इज ए बी बाय ए सी एंड दिस इज इक्वल टू ए बी बाय ए बी एंड दिस इज इक्वल टू वन बिकॉज फ्राम एबब ए सी इज इक्वल टू ए बी कॉस नाइंटी डिग्री इक्वल टू बेस बाई हैपटन दैट इज बी सी बाई ए सी एंड बी सी बिकम्स ज़ीरो हियर सो जीरो बाई ए सी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो 90 degree equal to perpendicular by base that is AB by AC AB by sorry perpendicular by base that is AB by BC this is equal to AB by 0 here BC becomes 0 and this is equal to infinity that is not defined cot 90 degree is equal to 1 by 10, 90 degree. And this is equal to 1 by infinity. This is equal to 0. Sec 90 degree equal to 1 by cos 90 degree because sec 90 degree is the reciprocal of cos 90 degree. And this is equal to 1 by 0 equal to infinity. That is not defined. Cosec 90 degree equal to 1 by sin 90 degree. हियर कोशक नाइन्टी डिग्री इज द रिसिप्रोकल ऑफ साइन नाइंटी डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू वन डियर स्टूडेंट्स टेबल फॉर टेग्नामेट्रिक रेसियोज ऑफ जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री एंड नाइन्टी डिग्री इफ थीटाइज इक्वल टू जीरो डिग्री देन साइज जीरो डिग्री इक्वल टू जीरो जीरो डिग्री इक्वल टू वन टेन ज़ीरो डिग्री इक्वल टू ज़ीरो कोशक ज़ीरो डिग्री इक्वल टू इन्फिनिटी दैट इज़ नॉट डिफाइंड सेक्क ज़ीरो डिग्री इक्वल टू वन कॉट ज़ीरो डिग्री इक्वल टू इन्फिनिटी दैट इज नॉट डिफाइंड इफ थीटा इज इक्वल टू थर्टी डिग्री साइन थर्टी डिग्री इक्वल टू वन बाय टू कोस थर्टी डिग्री इक्वल टू रूट थ्री बाई टू टेन थर्टी डिग्री इक्वल टू वन बाय रूट थ्री कोशिक थर्टी डिग्री इक्वल टू टू सेक थर्टी डिग्री इक्वल टू टू बाय रूट थ्री एंड कॉट थर्टी डिग्री इक्वल टू रूट थ्री ई थीटाइज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री साइन फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल टू कॉस फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल टू वन बाय रूट टू टेन फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल टू वन कोशेक फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल टू से फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल टू रूट टू एंड कॉट फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल टू वन इफ थीटा इक्वल टू सिक्सटी डिग्री साइन सिक्सटी डिग्री इक्वल टू रूट थ्री बाय टू कॉस सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू वन बाय टू टेन सिक्सटी डिग्री इक्वल टू रूट थ्री कोशेक सिक्सटी डिग्री इक्वल टू टू बाय रूट थ्री सेक सिक्सटी डिग्री इक्वल टू टू एंड कॉट सिक्सटी डिग्री इक्वल टू वन बाय रूट थ्री सॉरी वन बाय रूट थ्री एंड इफ थीटा इजक्वल टू नाइंटी डिग्री then sin theta sine 90 degree equal to 1 cos 90 degree equal to 0 tan 90 degree equal to infinity that is not defined cos 90 degree equal to 1 sec 90 degree equal to infinity that is not defined and cot 90 degree equal to 0 dear students the assignment is given solve exercise 8.2 from inferiority thank you